विवस्थाओं को गिनाने के लिए शहर जिला कांग्रेस कमेटी, देहात जिला कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में कांग्रेस जनों के द्वारा आयोजित किए जा रहे इस धरने में उपस्थित शहर अध्यक्ष आदरणीय गोविंद शर्मा साहब, देहात के अध्यक्ष आदरणीय सरोज मीणा जी, प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री आदरणीय पंकज मेहता साहब, प्रदेश सचिव आदरणीय शिवकांत नरमाना जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य डॉक्टर जबर मोहम्मद साहब और तमाम प्रदेश के पदाधिकारी, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी गण, हमारी महिला कांग्रेस की देहात और शहर अध्यक्ष और तमाम जो मेरे युवा साथी महिला कार्यकर्ता यहाँ पर कांग्रेस के साथी उपस्थित हैं, साथियों भाजपा की विफलताओं को गिनाने के लिए जिस मकसद से हम धरना देने के लिए आए करते हुए हैं, प्रदेश और भारत के देश के स्तर की बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं कोटा के स्तर की बात करना चाहता हूँ। पिछले 4 सालों से कोटा के जो बीजेपी के जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने किस प्रकार से नंगा नाच इस पूरे कोटा शहर के अंदर कर रखा है, आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। चाहे कोई व्यापारी वर्ग हो, चाहे कोई युवा वर्ग हो, चाहे नगर निगम की स्थिति को ले लीजिए, कानून व्यवस्था का मामला हो, महिलाओं के साथ बढ़ते अत्याचारों का मामला हो, बेशर्मी की हद पार करके ये नेता अपने आप को बहुत बड़ा साबित करने में तुले हुए हैं। और तो और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का खेल नगर निगम और नगर विकास न्यास के मुखियाओं ने चला रखा है, वो कोटा की आम जनता से छिपा हुआ नहीं है। नगर निगम कोटा के हमारे महापौर, कांग्रेस पार्षद दल के हम पार्षद साथियों द्वारा 3 साल की विफलताओं को लेकर धरना दिया गया था, धिक्कार दिवस मनाया गया था। आप सभी शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सभी सदस्यों ने कंधे से कंधा मिलाकर हमें मजबूती दी, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देना चाहता हूँ। नगर निगम की स्थिति देखिए, 3 सालों में 3 काम उनके पास गिनाने के लिए नहीं है। स्मार्ट सिटी की बातें करते हैं, शहर को नंबर 1 लाने की बातें करते हैं, कचरा पॉइंटों से कचरा नहीं उठ रहा, कचरा परिवहन के अंदर जो गड़बड़ियां हैं, करोड़ों रुपए के ठेके आदरणीय सांसद साहब के चेहरों में बरसों से ले रखे हैं, सफाई कहां से होगी सांसद साहब, सफाई कहां से होगी। दूसरी बात, इस धरने के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं उन बीजेपी के एजेंट अधिकारियों को, जिन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आज की तारीख में दमन कर रखा है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अत्याचार कर रखा है इन्हीं भाजपा के नेताओं की सर पर। मेरे साथ कुछ दिन पूर्व कोटा उत्तर के विधायक प्रहलाद गुर्जर द्वारा एक सफाई कर्मचारी द्वारा दादागिरी करवाई गई। पिछले 1 साल से विधायक महोदय चाहते हैं कि हम विपक्ष में इनका विरोध ना करें, महापौर जी चाहते हैं कि हम नगर निगम में इनके खिलाफ आवाज बुलंद नहीं करें। मैं उन अधिकारियों को बताना चाहता हूँ, 1 साल की दुकान और है इनकी, 1 साल बाद ये दुकान बंद होने वाली है। बीजेपी के होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बीजेपी के एजेंट के होश में आओ, होश में आओ, बीजेपी के एजेंट बन के काम करना बंद कर दो। कांग्रेस बहुत जल्दी आ रही है, जनता जागृत हो चुकी है, सभी साथी जो भी यहाँ मौजूद हैं कमर कस लो, इनके दिन फिरने वाले हैं और कांग्रेस आने वाली है। जन जन के बीच में हम जाएं और कांग्रेस की जो पुरानी सरकार थी, आदरणीय गहलोत साहब की सरकार की जो उपलब्धियां थी, उनको ले जाकर और इनकी कमियों को हम बताएंगे। निश्चित ही इस बार राजस्थान में कांग्रेस का झंडा फहराएगा। जय भारत।